लंबे सफर के साथ ट्रैफिक जाम की टेंशन सभी को होती है। कोई देश विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से दौड़ रहा है, इसका पता उस बात से चलता है कि उस देश में कितनी तेजी से एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत अब इसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। आज की तारीख में अगर कोई दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर राजधानी एक्सप्रेस से भी करता है तो भी उसे कम से कम करीब 16 घंटे का समय लगता है, और अगर ये सफर सड़क से तय किया जाए तो 24 घंटे लगते हैं। लेकिन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर 12 घंटे यानी आधे समय में पूरा हो जाएगा। बता दें, ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। ये राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मुंबई। इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल 1350 किलोमीटर है। ये सड़क जर्मन तकनीक से बनाई जा रही है और ये देश की पहली स्ट्रेचेबल रोड होगी। सड़क पर हर 500 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे भी होंगे और पूरे हाईवे पर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा। हादसों से बचने के लिए विश्राम स्थलों को छोड़कर कहीं भी गाड़ी रोकने की अनुमति नहीं होगी। हाईवे के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है ताकि आवारा जानवर सड़क पर न आ जाएं। एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए जाएंगे जिसमें 24 घंटे एम्बुलेंस मेडिकल स्टाफ के साथ तैनात रहेगी। साथ ही हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे जिसमें हेलीकॉप्टर के अलावा बड़े ड्रोन्स भी उतारे जा सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। सबसे खास बात है कि इस एक्सप्रेसवे में एक लेन इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी होगी। एक्सप्रेसवे की लगभग 375 किलोमीटर सड़क राजस्थान से होकर गुजरेगी। बता दें, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के दौसा जिले तक बनकर तैयार हो गया है। ये हाईवे राजधानी जयपुर से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। इस हाईवे के पूरा होने के बाद जहां दिल्ली और जयपुर की दूरी पूरा करने में 5 घंटे का समय लगता है, वहीं ये दूरी अब सिर्फ 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे कई मामलों में खास है। 6 राज्यों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की वजह से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों तक आना जाना आसान हो जाएगा। कितना लगेगा टोल टैक्स? एक्सप्रेसवे पर आपका एंट्री करते समय टोल नहीं लगेगा। टोल हाईवे से एग्जिट करते समय कटेगा। आपने जितना सफर किया है उतना ही टोल लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर टोल 0.65 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। वहीं मिनी बसों पर 1.05 रुपए, बसों और ट्रकों पर 2.20 रुपए, जेसीबी जैसी भारी मशीनरी पर 3.45 रुपए और अन्य भारी वाहनों पर 4.20 रुपए पर किलोमीटर शुल्क लिया जाएगा। इस हाईवे से न सिर्फ शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।